रामतेज यादव एडवोकेट पूर्व सपा विधायक 288 विधानसभा केसरगंज बाढ़ से संबंधित तहसीलदार को दिया गया ज्ञापन। 288 विधानसभा केसरगंज रामतेज यादव एडवोकेट सपा पूर्व विधायक ने तहसीलदार को ज्ञापन दिया। उन्होंने मांग पत्र में ग्राम मतरेपुर से गोल्डिया नंबर 1234 तथा 1100 रेती मझारातो कली से लेकर घूरन देवी तक तत्काल प्रभाव से घाघरा नदी के किनारे बांध बनाया जाए, जिसमें 20,000 आदमियों को उप नदियों के कटान से और बरसात से बच सके। बाढ़ पीड़ितों को 10 किलो प्याज, 1 किलो चाय पत्ती, 20 किलो चीनी, 50 किलो चावल, 50 किलो आटा, 20 किलो आलू, 5 किलो रिफाइंड और बच्चों के लिए 500 का बिस्कुट तत्काल व्यवस्था बनाकर वितरित कराया जाए। बाढ़ क्षेत्र में नदी के कटान और भारी बरसात से खेत कटे हैं। वाह, कच्चे तथा पक्के मकान फसल आज नष्ट हो गई है। मानक के आधार पर उनको तत्काल मुआवजा धनराज आपूर्ति की जाए। विधानसभा क्षेत्र केसरगंज की सड़कें टूट गईं, आवागमन में बाधित रहता है, इसलिए सड़कों की मरम्मत कराई जाए। ऐसे ही कई बिंदुओं पर केसरगंज तहसीलदार को ज्ञापन दिया। इस मौके पर रामतेज यादव पूर्व विधायक 288 विधानसभा केसरगंज, प्रदीप यादव एडवोकेट पूर्व ब्लॉक प्रमुख लड्डन खान, सपा नेता कुलदीप यादव एडवोकेट पूर्व जिला सचिव सपा, मनोज यादव एडवोकेट अध्यक्ष ब्लॉक केसरगंज, सतीश मांडे पूर्व अध्यक्ष ब्लॉक फकरपुर, फरीद अहमद अंसारी पूर्व अध्यक्ष सपा विकास खंड केसरगंज, पप्पू सिंह पूर्व सचिव सहित समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने मिलकर ज्ञापन दिया। हमको 50 किलो चावल दो, बढ़िया वाला जो घर में महत्व सबके है महत्व, ठीक है ना। 50 किलो आटा, 30 किलो आलू, 5 किलो रिफाइंड तेल। हम तो SPM साहब और तहसीलदार साहब को, DM साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसे हम प्रदीप और हमारे पार्टी नेता तो वोट का जो अच्छी सिस्टम आएगा तो हम लोग ठेगा दिखा दे रहे, देख लो ठेगा ना देख लो, अगर ठेगा दिखा तो हाथ उठाओ, सबको हाथ उठाओ। ऐसी क्या इन्होंने लिखा पड़ी की तो फिर वह बिल्कुल लैया लैया भैया, हम लोग सुन के जाना क्या अपने पुर से लेकर के बढ़िया नंबर 4 1 2 3 1100 मछारा तकली